नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। करनाल के एनडीआरआई में लगे कर्मचारी और मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। इसके धरने पर बैठने का कारण है उनको नौकरी से निकालना, यानी कि बेरोजगार करना। एनडीआरआई यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में सालों से काम कर रहे मजदूर और कर्मचारियों को अब नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके रोष स्वरूप बड़ी संख्या में एनडीआरआई में काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों द्वारा एनडीआरआई के मुख्य गेट पर आज धरना किया गया, नारेबाजी की, रोष व्यक्त किया गया। धरने में शामिल कर्मचारियों ने साफ साफ कहा, पहले उनको किसी और कंपनी द्वारा ठेके पर रखा गया था, परंतु अब नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया जो पुराने कर्मचारियों को निकाल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नई कंपनी द्वारा सिक्योरिटी के तौर पर 10,000 रुपये की डिमांड तक की जा रही, जो कि मजदूर और कर्मचारी नहीं दे सकते, जिसके चलते बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से हाथ धोने पड़ रहे हैं। इस कड़ी में सभी मजदूर और कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो वह अपने परिजनों का, अपने बच्चों का भरण पोषण यानी कि पालन पोषण कहाँ से करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि कोई भी मजदूर नई कंपनी को 10,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दे पा रहा, यदि सिक्योरिटी के 10,000 होते तो वह नौकरी क्यों करते। उन्होंने एनडीआरआई संस्थान के अधिकारियों से अनुरोध किया है, इनकी मांग की है कि उनकी मांग पर गौर किया जाए और उन्हें नौकरी पर दोबारा रखा जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नारेबाजी की और धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वो हमारे वापस होंगे और हमसे सभी मजदूरों से ब्लैंक पेपर पे साइन कराए जा रहे हैं। कब से लगे हुए आप? सर हमें 2 सालों से लगे हुए हैं और जो भी हमारे मजदूर भाई हैं ये भी कम से कम 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से लगे हुए हैं। तो पहले कोई सिक्योरिटी नहीं थी? नहीं, पहले कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये जो नया टेंडर हुआ है इसमें सिक्योरिटी मांगी। क्या नाम है ठेकेदार का? सर ठेकेदार का तो नाम पता नहीं है, लेकिन नहीं, जिसने पैसे मांगे आपसे लीगल है जी, और ये मजदूरों से पैसे मांग रही है सिक्योरिटी तौर पे। आपका शुभ नाम? शुभ नाम रिंकू पाल है। अरे सुनो सुनो यार, झगड़ा होता है ना जब कोई, तो उस टाइम दोनों तरफ से ये चीजें होती, लेकिन आप लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है, अच्छी बात है। आपकी ग्रेवेंसी जो है वो प्रशासन तक पहुंच गई है, और कुछ ना कुछ वो कुछ इंतजार तो करो। अगर एकदम 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, देखो गेट पे बैठना इस तरह से, मेरा घर देखो, आप लोग इतने सालों से यहाँ हो, हमारा परिवार पड़ता है, हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम एनडीआरआई में काम करते हैं, और आप करोगे यार, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम गेट बंद करते हैं। आप ये अच्छा लगता है आप लोगों को? अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं आपको एक राय दूंगा, मेरी एक राय है। अरे सुनो, मेरी एक राय है, बाकी आप जैसे करना चाहो ठीक है। आप अपना एक साइड में बैठो, जो बात करनी करो। हो सकता है कि 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी अभी आपसे बात करने भी आए, ये कोई तरीका नहीं है। ये सर चेन ऐसी टूटेगी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।